लड़के गांव से आते हैं और शहर में कहते हैं बहुत मौज है, लेकिन उनके पीछे का जो दुख है, जो मेहनत है, वो अपने दिल में दफन करके रखते हैं और किसी को पता नहीं लगने देते हैं कि उनको कितनी मेहनत पड़ती है, और वो बताते नहीं हैं। घर में उनकी माँ, बहन, बेटियाँ और वाइफ ये सोचती हैं कि हमारे पति देव या बेटा या हमारा भाई शहर गया हुआ है और इस बार त्यौहार पे आएगा तो त्यौहार मनाया जाएगा अच्छे से। और उसके पीछे एक लड़का जो होता है कितनी मेहनत करता है, हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये जो बोरा है, एक बोरा जो है 50 किलो वजन का होता है और 50 किलो वजन हम लोग अपने सर पे रखते हैं, जो कि गांव में हम लोग बड़े ठाट बाट से रहते हैं और एक गिलास पानी लेने के लिए बोलते हैं कि दीदी पानी ले आओ, या फिर मम्मी पानी चाहिए, या फिर वाइफ को अपने बोलते हैं पानी ले आओ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी मेहनत करनी पड़ती है हम लोग को। हम आपको बताना चाह रहे हैं, ये बोरा हम उठा के ले जाएंगे, आपको दिखाएंगे हम कैसे बोरा ले जाते हैं। सुबह गए थे, बोरा उठाया हम, बहुत भारी है भाई, मान के चलो ये, मान के चलो ये 50 किलो का बोरा है, ये टोटल 50 किलो का बोरा है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग को 50 किलो का बोरा लेके आना सर पे रख के, मैं तो सांस ही रुक जाती भाई। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है हम लोग को बोरा उठाने में, और फिर इस तरह की धूप होती है गर्मी की, आप देख सकते हैं गर्मी कितनी पड़ने लगी है, इस तरह की धूप में भी हम लोग को काम करना पड़ता है। देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर शहर में आने के बाद कैसे सोते हैं और हम लोग का बिस्तर कैसा होगा, क्योंकि गाँव में जो होता है हम लोग को चारपाई मिल जाती है या फिर अच्छे बिस्तर मिल जाते हैं, कथरी उथरी रहती है या गद्दे रहते हैं बिछा के सोने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग के पास गद्दे नहीं होते हैं या कथरी नहीं होती है, फिर भी हम लोग सोते कैसे हैं आपको दिखाते हैं। ये हम लोग जो है बोरी है एक नीचे बिछा रखी हुई है, और ये थोड़ा सा है, आप हमारा बिस्तर देख सकते हैं कैसा बिस्तर है, ये ऊन है और इसी के ऊपर एक चद्दर छोटी सी लेके रखी, इसी को बिछा लेते हैं और इसी पर सो जाते हैं। तो हम लोग थके होते हैं इतना ज़्यादा कि हम नींद कब आती है पता ही नहीं चलता है, क्योंकि मेहनत इतनी ज़्यादा पड़ जाती है काम करने में। सुबह हम लोग 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, सुबह हम लोग जाते हैं 8 बजे जाते हैं और 8 बजे फ्री होते हैं। उसके बाद का जो हम लोग का खाना का है सिस्टम, वो हम आपको दिखाते हैं कैसे हम लोग खाना बनाते हैं यहाँ पे, कैसे हम लोग को व्यवस्था दी जाती है। खाना बना रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि हम लोग कैसे खाना बनाते हैं सर्व में। तो खाना बनाने के लिए अंकल जी हमारे साथ में रहते हैं, खाना खाते हैं अंकल के साथ में ही हम लोग बना के, तो मिल बांट के बनाते रहते हैं हम लोग खाना, ऐसे ही चलता रहता है हम लोग का दिनचर्या। हमारे पास कोई किचन नहीं होता है, कोई रसोई घर नहीं होता है जहाँ पे जगह मिली वहीं पर खाना बना लेते हैं। हमारी दाल पक गई है, चावल हमारा बन रहा है, और हम लोग के पास ज़्यादा सामान नहीं है, छोटे छोटे डिब्बे हैं, तेल है, हल्दी है, नमक है, दाल है, एक बाल्टी में हमारा आटा है, एक कैन में हमारा चावल है, ऐसे सब चलता रहता है भैया। शहर की ज़िंदगी है, बनाना है, खाना है, पेट में जाएगा, अभी मेहनत करेंगे और पैसा कमाएंगे।